पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे लंबे समय से बीमार थे। वाजपेयी को डॉक्टरों की सलाह पर नियमित जांच के लिए दिल्ली लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह जानकारी प्रेस रिलीज के जरिए दी। 93 वर्षीय वाजपेयी की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। लंबे समय से बीमार चल रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जांच के लिए हर वक्त डॉक्टरों की टीम उनके आवास पर रहती थी, लेकिन उनकी जांच उनके घर पर ही होनी चाहिए थी। ऐसे में अचानक उन्हें एम्स में क्यों लाया गया, इसे लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वाजपेयी के भर्ती होने की जानकारी दी। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक वाजपेयी को एम्स के डायरेक्टर की देखरेख में रखा गया है। इससे पहले फरवरी 2009 में उन्हें सीने में इन्फेक्शन और बुखार की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रात 8 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वाजपेयी के सरकारी निवास 6 कृष्णा मेनन मार्ग पहुंचकर उन्हें भारत रत्न प्रदान किया था।